تعالی في محكم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة وبتعني زعم خطاب الكرام علماء العالم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته इबन अल्फाज़ खान नज़रबंद मुतहिद मजलिस उलमा सुन शुक्रिया अदा कर मे पुन फर्जन मुश्तबा आबास तिंदिस खदमत सूजमुत यथ सिलसिलस मोस मीरवाइज मंजिलस पे खुतबान तोलवान हंद इजलास बुलव ताकि अत नौजुक मसलस पे या सैर हासिल बहस कर साजिश गा हमेशा खतर नाकाम तमो तिंदिस फरमानस पे सपूद आज ये इजलास ये मुनक़द अत पे खुतबाव तलमाव इस्लाम फौलानस मलवार शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ आए। मौजू बड़ा हसास है। ये मौजू वसीम रिजवी नामी एक गुमनाम शख्स के बारे में है जो तौहीन कुरान करता है और जो कुरान की आयात में तहरीफ चाहता है। और हम लोगों ने यहाँ पे इस खानकाह पे जो कि बड़गाम में है और आगा से सैयद यूसुफ साहब के दौलत खाने पे एक इजलास मुनक़द हुआ जिसमें आगा सैयद हसन के दौलत खाने पे ये इजलास मुनक़द हुआ जिसमें वादी कश्मीर के मुक्तदर उलमाए किराम ने शिरकत की और ये इजलास जो है मुतहदा उलमा और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उनमें शरी शियान की वसात से मुमकिन हो सका। और हम सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जो इसमें है और एक करारदाद के जरिए से जो मसूर साहब पढ़ेंगे। और ये मुत्तफिका तौर पे ये फैसला हुआ कि इस मलून ने जो हरकत की है उस हरकत की हम सब मजम्मत करते हैं और पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और हमारा ये अकीदा है कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो इस पिटिशन को खारिज करें और हुकूमत हिंद से हमारा मुतालबा है कि इस शख्स को सजा दी जाए और उसको पब्लिक सेफ्टी एक्ट में बुक किया जाए एंड ही शुड बी बुक्ड इन अ पब्लिक सेफ्टी एक्ट एंड एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट दिस मैन बिकॉज ही हैज़ जो जिसने इस जो काम किया है उससे मुसलमानों की दिल आजारी हुई है। हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान हैं वो इस वक्त उनके दिल मजरूह हैं, वो जख्मी हो चुके हैं। लिहाजा हम मुसलमान सब चीज़ को बर्दाश्त हर चीज़ को बर्दाश्त कर सकता है लेकिन तौहीन कुरान और तौहीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्दाश्त नहीं हो सकता है बल्कि तौहीन सहाबा भी बर्दाश्त नहीं हो सकता है। लेकिन जिस शख्स ने एक बात जो साबित हो गई कि शिया और सुन्नी कम्युनिटी में इस मलऊन की वजह से एक ऐसा इत्तेफाक पैदा हुआ जिसमें अब धराड़ पर नहीं पड़ सकती है, जिसमें अब खलफशार जो मुसलमानों के फिरकों के बाहम जिस कोशिश की गई थी वो अब मुमकिन नहीं हो सकेगा। इंशाअल्लाह रहमान हम मुत्तफिक हैं और हम इत्तेहाद में रहेंगे और हर उस चीज़ का मुकाबला करेंगे जिस चीज़ की ज़रूरत आन पड़ेगी। और हमने ये भी फैसला कर लिया है कि उलमाए जम्मू कश्मीर की जानिब से यह फैसला हुआ, हम लॉयर्स से भी बात करेंगे और लॉयर की फ्रेटर्निटी से भी बात करेंगे, हम शेख फरीक भी इसमें बनेंगे और सुप्रीम कोर्ट में ये साबित करेंगे
कि इस शख्स को, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट पे ये जिम्मेदारी आयद होती थी, पहले इसको खारिज, पहले ही वक्त में इसको खारिज कर दी, इसको मुस्तरद कर दी, बल्कि हम लोग ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पे ये लाजिम है कि वो इस शख्स पे जुर्माना आयद करें और इस कदर जुर्माना आयद करें कि कोई दूसरा शख्स इसके खिलाफ कोई बात सर उठाने के आइंदा ऐसा न कर सके। अब मैं गुजारिश करूंगा मसरूर साहब को वो करारदाद पढ़े, यहाँ इसमें आगर साहब भी तशरीफ फरमा है, ये तो लिबस पे आग सब ये पानी मास्क दो मिनट आप भी उठा लीजिए, तो तमाम तो आप पढ़ लीजिए मसरूर साहब। ये मीटिंग यहाँ बड़गाम में आगा सैयद हसन मूसवी असफ़ी की क़यादत में मुनक़द हुई। ये नुमाइंदा इजलास वसीम रजवी मलून की नाशाइस्ता हरकत और इर्तदादी फेल की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता है और हुकूमत से ये मुतालबा करता है कि मज़कूरा शख्स पर कुरान करीम की तोहीन करने पर उसको गिरफ़्तार किया जाए और उसे करार रिवा की सज़ा दी जाए। ये इजलास वाजा करता है कि कुरान करीम पर दुनिया की कोई ताकत या इदारा हरगिज़ पाबंदी आयद नहीं कर सकता। कुरान करीम मुसलमानों की मुकद्दस किताब है और दुनिया के करोड़ों लोगों का इस पर अकीदा और एतिकाद है। मिल्लत इस्लामिया को यकीन है कि वाकब होते हैं उनमें वो बेहतर तरीके से रहनुमाई और क़यादत कर सके। हम ये भी मुतालबा करते हैं, हम लोगों से ये अपील करते हैं कि वो ऐसे वक्त में आपसी इतिहाद और भाईचारे की फिजा को कायम रखें और ऐसे अफराद से बच कर रहें जो इस मौके को मसलकी मुनाफरत में तब्दील करना चाहते हैं। इसलिए उस इश्ताल अंगेजी की ज़रूरत नहीं है, इतिहाद और इत्तेफाक से हम तमाम हरबों को नाकाम बना सकते हैं। ये इजलास ये भी वाजा करता है कि ऐसी कोई भी इर्तदादी हरकत करने वाला किसी भी इस्लामी फिरके या मसलक से वाबस्तगी का इजहार नहीं कर सकता और जो भी ऐसी हरकत करेगा उसका मुसलमानों के किसी भी मसलक या फिरके से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि वो दुश्मनों का एजेंट है, साम्राज्य आलाकार है, जिसकी हम हर सतह पर हम उसकी मुखालफत करेंगे और उसका मुकाबला करेंगे। बल्कि ये मैं यहाँ